आइए बात करते हैं चांडिल के कांदरबेड़ा में सोलर लाइट की बैटरी चोरी करते पकड़ाए युवक की। सरायकेला के चांडिल थाना अंतर्गत कांदरबेड़ा बस्ती में बीती देर रात सोलर लाइट की बैटरी की चोरी कर रहे एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ धर दबोचा, जबकि उसके 3 साथी मौके से चोरी की गई बैटरी के साथ फरार हो गए। पकड़ाए चोर को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया है, जिससे पूछताछ चल रही है। चांडिल की कांदरबेड़ा बस्ती में बीती रात 2:30 बजे के करीब एक ऑल्टो कार से आए 4 युवक गाँव में लगी सोलर लाइट की बैटरी की चोरी करने लगे। उसी समय किसी ग्रामीण की नजर पड़ने पर उसने ग्रामीणों को सूचित किया। इसके बाद सबने मिलकर चोरों को खदेड़ा, जिसमें एक चोर पकड़ा गया। हालांकि उसके 3 साथी बैटरी के साथ ऑल्टो गाड़ी से फरार हो गए। पकड़ाए चोर को ग्रामीणों ने बांध कर रखा, जिसे शनिवार सुबह चांडिल पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर फरार चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पकड़ाए टिंकू कर्मकार ने बताया कि वो 3 अन्य लोगों के साथ सोलर लाइट की बैटरी चुराने आया था, लेकिन पकड़ा गया, जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए। पकड़ाए चोर टिंकू कर्मकार के अनुसार उसके भागे साथियों के नाम राज सिंह, छेदी सिंह व सोनू सिंह है, जो कदमा व काशीडी के निवासी है। बैटरी चोरी एक तो बगल 4 आदमी भाग गया, लोगों ने गाड़ी लेकर ऑल्टो J05CC1190 एक काशीडी का है और 2 कदमा का है। नहीं पता हमको, बोला कि हमको ड्रिंक ठंडा में नहीं पता, कुछ दारू मिला के समझ में नहीं आया। बोला चलो राज सिंह, छेदी सिंह, सोनू सिंह। वहीं ग्राम प्रधान मदन मुर्मू ने शुक्रवार देर रात घटी चोरी की घटना में ग्रामीणों द्वारा एक चोर के पकड़े जाने की जानकारी दी। रात को करीब 2:30 बजे जैसा टाटा अल्टो कार से 4 आदमी आया था यहाँ आके, यहाँ सोलर लाइट लगा हुआ, सरकारी सोलर लाइट, उसको खोला और चोरी करने का प्रयास कोशिश कर रहा। तभी गाँव के एक आदमी, ये भास्कर टूडू नामक युवक, जागा तो देखा कि चोरी करते हुए देख, तब वो लोग को रोका, तो वो लोग उल्टा उनसे उलझने का काम किया। उसके बाद उसको गांव वालों मिल के सबके बांध कर रखा गया। उसके बाद थाना वाला को बुलाया गया और उसको थाना को हैंड ओवर कर दिया गया। और इससे तो गाड़ी में 4 आदमी था, एक आदमी पकड़ने में आया और 3 बाकी तो भाग गया गाड़ी। दिनभर की ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब पर, साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।